सो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ IAS IPS अधिकारी बनने के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है जानते हैं और आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आप IAS UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए। IAS IPS भारत में सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक है। इन सेवाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को UPSC सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होनी। यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप जानते होंगे काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इस एग्ज़ाम को निकालना। तो UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को एक मजबूत और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो IAS या IPS अधिकारी बनने के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है जान लेते हैं यहाँ पर आप। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ यहाँ पर IAS IPS अधिकारी बनने के लिए किसी भी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों किसी भी मान्यता पर प्राप्त विश्वविद्यालय में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री सेवा परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी परीक्षा निकालने में। जैसे कि दोस्तों कुछ विषय ऐसी हैं UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकती है आपके लिए, जैसे कि दोस्तों राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कानून। तो दोस्तों ये इन विषयों में डिग्री UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तैयारी मदद करेगी दोस्तों आपके ये सिविल सेवा परीक्षा निकालने में। इसके अलावा दोस्तों ये विषय उम्मीदवारों को एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने में सहायक है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, तो आप इन विषयों में से कोई सी विषय जो भी है इनकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी UPSC IAS बनने में आपको सहायक होगा।